राधे राधे, आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएं शिवरात्रि के इस पावन पर्व की। इस बार भी थोड़ा सा संशय की स्थिति लोगों में बन रही है कि शिवरात्रि 8 तारीख को है कि 9 तारीख को है। तो सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 8 तारीख को ही शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि शिवरात्रि का तात्पर्य है कि रात्रि कालीन भगवान शिव की उपासना। तो इसलिए जो है भगवान शिव की उपासना के लिए जो समय आ रहा है वह रात्रि कालीन में ही रहेगा और 8 तारीख को ही मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चतुर्दशी का जो प्रवेश हो रहा है वो शाम को 7:30 बजे हो रहा है 8 तारीख को। तो रात्रि कालीन पूरी तरह से वो जो तिथि रहेगी, इसलिए जो है 8 तारीख को ही शिवरात्रि का जो ये पर्व मनाया जाएगा और वो दिन भर उसका पुण्य काल होता है। सुबह से लेकर के रात्रि कालीन पूरी तरह से शिव उपासना की जाएगी। और भगवान शिव की उपासना के लिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाए, हमारे कार्य सिद्ध हो जाए, हमारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाए, तो निश्चित रूप से 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने टूटे हुए ना हो, और थोड़ा सा काला तिल और आम्र का जो बौर होता है वो लेकर के यदि भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी अभिलाषाएं पूर्ण।